हर खबर से बाखबर, हमारी ये हर खबर पर नजर। एशियन टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल्स और जूनियर कॉलेज में साल 2019-20 के लिए ऑनलाइन और रास फॉर्म दाखिलों का आगाज। गवर्नमेंट तेलंगाना ने पूरे तेलंगाना स्टेट में मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए 204 रेसिडेंशियल स्कूल और 12 जूनियर कॉलेजेस कायम किए, जहाँ पर मुकम्मल फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, फ्री क्वालिटी एजुकेशन, फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री नोटबुक, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक किट, यूनिफॉर्म, शूज, टाई बेल्ट और बेहतरीन फूड और दीगर सहूलतें रखी है। ये तमाम तर फैसिलिटीज माइनॉरिटीज के लिए रखी गई है। वो गरीब माँ बाप जो अपने बच्चों की अच्छी तालीम दिलवाने के लिए फिक्रमंद है, उनके लिए एक सुनहरा मौका। ये स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस कॉर्पोरेट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल के है, जहाँ पर डिजिटल क्लासेस, बेहतरीन प्लेग्राउंड, लैब, लाइब्रेरी और दीगर सहूलतें हैं। और यहाँ से कई स्टूडेंट्स अपने टैलेंट से नासा, किलिमंजारो और सिक्किम में अपने टैलेंट्स का मुजाहरा करे हैं और कई अवार्ड्स, गेम्स, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल हासिल कर चुके हैं। एके खान, चीफ एडवाइजर माइनॉरिटी वेलफेयर तेलंगाना गवर्नमेंट और TMREIS सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह की निगरानी में ये स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस काफी तरक्की कर रहे हैं। अनकरीब एडमिशन की तारीख का ऐलान किया जाएगा। तमाम मुस्लिम माइनॉरिटीज से गुजारिश है वो अपने बच्चों का एडमिशन करवाए और गवर्नमेंट के इन स्कूल्स और कॉलेजेस से फायदा उठाए, जहां पर एक पैसा खर्च किए बगैर बेहतरीन तालीम का इंतजाम है। मजीद मालूमात के लिए रब पैदा कर सकते हैं हाफिज डॉक्टर इकबाल मोहीउद्दीन, प्रिंसिपल तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल बॉयज बारकस। फोन नंबर 8374401073। मुजम्मिल अहमद के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज, हैदराबाद। मैं एशियन टीवी से मुजम्मिल अहमद रिपोर्टर बात कर रहा हूँ। डॉक्टर इकबालुद्दीन मोइनुद्दीन के साथ मिलने आया हूँ। मैं प्रिंसिपल कुतुबशाह तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ जी। मेरा नाम इकबाल मोइनुद्दीन है। दरअसल आपको इंटरव्यू आपसे मुखातिब होने का मंशा यही है कि इस साल जो है एडमिशन की 2019-20 के लिए शुरुआत होने जा रही है। ये अनकरीब कल एलामिया, कल या परसों उसका एलामिया जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तो जो सहूलतें रखी गई हैं, पूरे तेलंगाना स्टेट में 204 स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें 107 लड़कों के लिए और 97 लड़कियों के लिए ये स्कूल्स रखे गए हैं। और इसमें 12 कॉलेजेस हैं, जिसमें 9 लड़कों के लिए हैं और 3 लड़कियों के लिए। तो खास में अरे हैदराबाद के अंदर 41 स्कूल्स हैं, जिसमें 21 लड़कों के लिए हैं, 21 बॉयज़ के लिए हैं और 20 गर्ल्स के लिए हैं। तो यहाँ पर खासकर अखिलियतों के लिए ये बेहतरीन सहूलत है। मैं वज़ीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का मोनो मशहूर हूँ कि उन्होंने तेलंगाना स्टेट में और खासकर तालीमी दुनिया में एक इनकलाब बरपा किया है। और ख़ासकर इस बात का भी मैं मशहूर हूँ कि ऐसे डायनेमिक सेक्रेटरी जनाब बी शफीउल्लाह साहब IFS को सेक्रेटरी मुंतखब किया टिमरीज के लिए। उन्होंने और उनकी टीम ने पूरा स्टाफ टिमरीज का ये 2 साल के कम अरसे में 204 स्कूल्स को वो मुकाम दिलाया कि जिसके ज़रिए दीगर स्टेट वाले भी जो है ना दीगर स्टेट में इसकी काफ़ी मकबूलियत हो रही है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दीगर स्टेट अबराड में भी इसकी जो है तारीफ की जा रही है और इसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ के तलबा के ना सिर्फ तेलंगाना स्टेट की हद तक अपनी सलाहियतों को रखा है, बल्कि दीगर यानी यहाँ के तलबा किलिमंजारो जैसी जो है ऊंची चढ़ाई की रसाई की है वहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरे जो है और तलबा नासा में जो है ना अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर इंडिया लौटे हैं और हाल ही में ये तलबा सिक्किम की पहाड़ी को भी सर किया है। तो ख़ास बात यह है कि यहाँ तमाम सहूलतें मैसर हैं। जैसे पेरेंट्स का ख्वाब रहता है कि मेरा बच्चा जो है एक अच्छे से अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करे, कॉर्पोरेट स्कूल में, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वहाँ के भारी भारी डोनेशन, वहाँ के भारी भारी फीस नहीं दे सकते, उनका ख्वाब ख्वाब बनकर रह जाता है, क्योंकि बेहतरीन सलाहियतें होते हुए भी जो है ना उनका ख्वाब ख्वाब बनकर रह जाता है। ऐसे में ऐसे अलिया तलबा के लिए उनका ख्वाब है कि मेरा बच्चा जो है एक मुकाम हासिल करे, उनके लिए एक सुनहरी मौका है। तो यहाँ पर जो है जमात 5th में यानी इंट्रेंस की बुनियाद पर दाखिला होता है और बाकी दीगर क्लासेस में 6th, 7th और 8th में रास्त बैकलॉग की बुनियाद पर रास्त एडमिशन होते हैं। तो मैं उन अलिया तलबा से जो है गुजारिश करता हूँ कि जैसे ही एडमिशन की तारीख आए तो अपने अपने मकाम पर जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल से रब पैदा कीजिए और 5th क्लास के लिए ऑनलाइन फॉर्म दाखिल कीजिए और दीगर क्लासेस में आपका
बच्चे के लिए एडमिशन होना है। और दूसरी अहम बात क्या है, इन तलबा को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्यों कि तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत ने ली है, यानी यूनिफॉर्म 3 जोड़े यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, बेहतरीन शूज़, कॉस्मेटिक किट के जरिए जो है उन्हें सोप तेल यानी हर चीज़, नोटबुक्स, स्टेशनरी, ये तो दिगर अशिया उनकी ज़रूरत के लिए हैं। और इससे हट के खेल कूद के लिए बेहतरीन प्ले ग्राउंडस और असरी आला से लेस क्लास रूम्स जो डिजिटल क्लासेस हैं और बेहतरीन लाइब्रेरी लैब, तो ये तमाम तर सहूलतें एक इंटरनेशनल स्कूल से कम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अखिलिया तलबा के लिए एक बड़ी नेमत है, नेमत उज़्मा समझिए कि उन अखिलिया तलबा के लिए जो माशी हालत से परेशान है इन स्कूलों से फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैं एशियन टीवी का और अब्दुल्ला भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए एक मौका फराहम किया जिसके ज़रिए हम आम लोगों तक इस टीवी के ज़रिए जो है ना हम मैसेज पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आशियाना खूब सजा हकीकत बना। मल्लिका फर्नीचर फारूक अशरफ के साथ नए दौर में बदलता अंदाज, फर्नीचर जो चले नस्ल दर नस्ल, हैदराबाद का शानदार पायदार मल्लिका फर्नीचर। शहरे हैदराबाद में पहली बार मल्लिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ। गोदरेज की हैवी डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है, जल्दी करिए। मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, मोहलपुरा, हैदराबाद।